हेलो दोस्तों, मेरा की आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो पे। दोस्तों जैसा कि आपने ऊपर टाइटल और थंबनेल पे देखा, बिल्कुल ही सही देखा और सही पढ़ा दोस्तों। अगर आप एक एटल रिटेलर हो तो यहाँ पर आप सभी को मालूम ही होगा इस ऑप्शन के बारे में, जो यहाँ पर ये ऑप्शन ऐड हुआ था एयरटेल का मित्र ऐप एप्लीकेशन का न्यू लेटेस्ट वर्जन के अंदर, यानी कि वर्जन 5.37 के अंदर। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर वर्जन आया था और इसके अंदर जो नया ऑप्शन ऐड किया गया था उसके बारे में मैंने आप सभी को बताया था। तो यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर भाई यहाँ पर जब ये प्रोसेस को यूज करने जा रहे हैं ये ऑप्शन को, तो यहाँ पर वो जब प्रोसेस कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह से एरर मैसेज देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे लोगों का दोस्तों यहाँ पर मेरे को कमेंट आ रहा था रिटेलर भाई का कि यहाँ पर ये ऑप्शन को जब हम यूज कर रहे हैं तो क्यों इस तरह का एरर मैसेज देखने को मिल रहा है, हमें आगे का प्रोसेस क्यों नहीं काम कर रहा है। तो अगर आपके साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों, आप भी ये ऑप्शन का यूज करने जा रहे हो तो आपको इस तरह का एरर मैसेज बार बार आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है और आप आगे का प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो, तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखना। मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से समझाने वाला हूँ। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों आइए वीडियो को बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब भी आप एयरटेल मित्र ऐप एप्लीकेशन को अपना लॉगिन कर रहे हो, लॉगिन करके जब आप इस ऑप्शन के ऊपर एक बार टैप कर रहे हो, टैप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पर पेज ओपन होकर आ रहा है और यहाँ पर आपको ऊपर में नंबर मांगा जा रहा है। जैसे ही आप नंबर डाल रहे हो नीचे यहाँ पर आपको सिम स्कैनर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सिम स्कैनर पर टैप करके यहाँ पर जो QR कोड बार कोड होता है सिम कार्ड का, वो आप यहाँ पे स्कैन कर रहे हो। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आपका जो है आगे का जब प्रोसेस करने के लिए यहाँ पर जा रहे हो, प्रोसीड कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से एरर मैसेज देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये एरर मैसेज क्यों आ रहा है तो चलिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ। दोस्तों इस एरर मैसेज का ये यहाँ पर मतलब है कि यहाँ पर जो आप सिम कार्ड को यहाँ पर आप आगे का प्रोसेस करने के लिए जा रहे हो, यानी कि यहाँ पर जो आप यहाँ पे सिम कार्ड को चेंज कर रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो, वो सिम कार्ड ऑलरेडी यहाँ पर 4G और 5G है, तो वो यहाँ पर सिम कार्ड आगे का यहाँ पर जो है अपग्रेड के लिए प्रोसेस नहीं जाएगा। यानी कि ये ऑप्शन इसलिए ऐड किया गया है एयरटेल मित्र ऐप एप्लीकेशन के अंदर कि यहाँ पर जो यूजर जो यहाँ पर कीपैड फोन यूज कर रहे हैं यहाँ पर, या यहाँ पर जो पुराना सिम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जो यहाँ पर सिम यहाँ पर यूज कर रहे हैं 64 KB का, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर आप बिल्कुल ही सही सुन रहे हो। आप सभी को मालूम ही होगा कि जब यहाँ पर एयरटेल का 2G और 3G नेटवर्क था तो यहाँ पर जो है आप यूज करते थे यहाँ पर 64 KB का सिम, और यहाँ पर जो सिम आता था वो यहाँ पर बड़ा पैनल आता था यहाँ पर सिम कार्ड का। अब आपको यहाँ पर जो है तीन तरह का पैनल देखने को मिलता है, माइक्रो, मिनी और नैनो। लेकिन पहले जो सिम कार्ड आता था वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आता था माइक्रो सिम कार्ड। यहाँ पर आपको माइक्रो के बाद यहाँ पर नैनो और मिनी सिम कार्ड यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता था, यानी कि तीन कटिंग का यहाँ पर आपको सिम नहीं मिलता था, सिर्फ एक कटिंग का ही यहाँ पर सिम कार्ड आता था। और अभी जो आपको यहाँ पर सिम कार्ड मिल रहा है वो यहाँ पर 4G और 5G मिल रहा है, जो यहाँ पर आपको मिल रहा है 124 KB का। पहले जो सिम कार्ड आता था वो आता था 64 KB का। तो जो 64 KB का सिम कार्ड आता था, जो यहाँ पर ऐसे यूजर हैं जो यहाँ पर 64 KB का सिम कार्ड अभी भी यूज कर रहे हैं, अपना सिम कार्ड को अभी तक एक्सचेंज नहीं किए हैं, अपग्रेड नहीं किए हैं, यहाँ पर वो यहाँ पर जो है ग्राहक को अपग्रेड करने के लिए वो यहाँ पर 4G या 5G में अपग्रेड करने के लिए 2G और 3G सिम कार्ड यूजर को यहाँ पर जो है अपग्रेड करने के लिए ये ऑप्शन को ऐड किया गया है मित्र ऐप एप्लीकेशन के अंदर। तो आप वैसे ही ग्राहक का यहाँ पर जो है सिम कार्ड को अपग्रेड कर पाओगे ये ऑप्शन का यूज करके, जो यहाँ पर अभी भी यहाँ पर जो है 2G और 3G सिम कार्ड यूज कर रहे हैं 64 KB वाला पुराना सिम कार्ड। और अगर आप यहाँ पे 4G और 5G यूजर का यहाँ पर नंबर डाल के आगे का प्रोसेस के लिए जाओगे तो ये प्रोसेस नहीं काम करेगा, इस तरह का एरर मैसेज देखने को मिलेगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो ऑप्शन ऐड हुआ है मित्र ऐप एप्लीकेशन के अंदर वो यहाँ पर सिम अपग्रेड के लिए ऐड हुआ है, 2G सिम कार्ड को, 3G सिम कार्ड को 4G और 5G में अपग्रेड करने के लिए ये ऑप्शन को यहाँ पर लाया गया है कंपनी की ओर से। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि ये ऑप्शन क्यों ऐड हुआ है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर देना। और अगर आपको तब वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार का सवाल सुझाव तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप पे आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए दोस्तों आज के लिए वीडियो नहीं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद।